हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कामधेनु शंख के बारे में। इसे अन्नपूर्णा शंख भी कहते हैं। भारत के कुछ अलग अलग हिस्से में इसका नाम अन्नपूर्णा शंख है और कुछ हिस्सों में कामधेनु शंख है, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर कामधेनु शंख ही कहता हूँ। इसका रीज़न है, इसका आप मुंह देखिए किस तरह दिखता है आपको, एक गाय की तरह, कामधेनु गाय की तरह ये मुंह और ऐसे सींग उसके, उसका मुंह गाय के होने के कारण से उसको कामधेनु शंख भी कहते हैं। अभी जो आप मेरे हाथ में जो शंख देख रहे हैं, इसका कलर आपको हल्का सा फेंट दिखेगा और गुलाबी कलर दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये सेम शंख मेरे हाथ में देखिए, इसका कलर देखिए कैसा है, हल्का सा येलोइश ब्राउन है एज़ कम्पेयर टू दिस। दोनों का कलर देख सकते हैं आप, अलग अलग है। तो बहुत से कस्टमर्स को डाउट है कि इन दोनों में से एक असली होगा या दूसरा नकली होगा, तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि दोनों के दोनों असली शंख है। कैसे? अभी जो हम मनुष्य है उसका जो स्किन का जो कलर है, क्या वो एक समान है? नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य में जैसे कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, तो वो जो कलर है, वो जो अपने स्किन से पिगमेंट निकलता है जिसका नाम है मेलानिन, वो कभी कभी अलग कलर निकलता है, अलग केमिकल निकलता है, तो इसलिए उसकी वजह से कभी कोई सांवला या कोई गोरा उसकी स्किन होती है। तो वैसे ही जो शंखों का जो कीड़ा होता है, जो यहाँ बैठा होता है, वो अपने स्किन से जब केमिकल निकालता है तो कुछ, अभी उसने कुछ अलग केमिकल निकाला तो ऐसे गुलाबी कलर आएगा, लेकिन वही जो कीड़ा होता है उसके पिगमेंट ने कुछ अलग केमिकल निकाला तो उसका कलर कुछ ऐसा येलोइश ब्राउन आएगा। कीड़ा वही है, बस पिगमेंट उसने अलग अलग, उसने केमिकल अलग अलग निकाला, इसलिए कलर अलग अलग आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकली है, दोनों असली शंख है। अभी ये मेरे हाथ में देखिए आप, ये है पांचजन्य शंख या गौमुखी शंख। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये पूरा एरिया वाइट है और अंदर देखिए आप ऑरेंज दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ वाइट है। अभी सेम एक और पांचजन्य शंख है, आप देखिए आप, यह पूरा का पूरा ऑरेंज दिख रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक फैला है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप आधा ही फैला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों नकली है, असली ही है, बस पिगमेंट जो है कभी कभी अलग अलग केमिकल निकालता है, कभी पूरी तरह ऑरेंज निकालता है, कभी आधा ही निकालता है, कभी वाइट निकालता है, ऐसा। तो बस वो पिगमेंट की बात है, वो केमिकल रिलीज़ की बात है। दोनों के दोनों असली शंख है, और अभी जो आपने आपको दिखाया कामधेनु, दोनों के दोनों असली शंख है। दोनों बढ़िया बजते भी है, दोनों का साउंड एकदम अच्छा आता है। ऐसा बजता है ये, अच्छा साउंड आता है इसका। तो ये है कामधेनु शंख के बारे में कुछ जानकारी, जो कुछ लोगों को डाउट था। आई होप मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।